ने बताया कि उन्होंने छोटा सा एक हाउस लिया है, उसको डेवलप किया है स्कूल में, राइट, वो भी मिल गए. ट्रेन टीचर्स भी आजकल बहुत अवेलेबिलिटी है, ये सब मिल गया तो उसके बाद स्कूल स्टार्ट करना आसान होता है. वैसे ही इफ यू टेक अ चाइल्ड, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट डोमेन, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर ग्रूमिंग अ चाइल्ड एंड हाउ डू यू ग्रूम इट. एक माइलस्टोन होना चाहिए, एक चेक पॉइंट होता है. जब भी हम एक रनिंग रेस रखते हैं तो एक फिनिशिंग लाइन होती है, राइट. सो व्हाट आर आवर फिनिशिंग लाइन फॉर प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 एंड KG2, वो हमारा क्या होना चाहिए, प्ले ग्रुप में क्या आ जाना चाहिए. जैसे बताया हमने, डिस्कस किया, सेटल होना आना चाहिए, स्कूल समझना आना चाहिए, टीचर्स समझना आना चाहिए, राइट. मगर उसको हम लोग कैसे डेवलपमेंट डोमेन में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पेरेंट को तो नहीं पता है कि हमने इसको बैठाना बैठना सिखा दिया, टॉयलेट मैनर्स सिखा दिए, टेबल मैनर्स सिखा दिए, सोशल कर दिया, जो इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी उसको हमने मर्ज कर दिया, सोशल बना दिया बच्चे को. तो ये चीज के लिए भी हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि हमने कितना काम किया है. ये दिखती नहीं है चीज़ें, हमने एफर्ट्स बहुत डाले, मैम ने एक्टिविटी प्लान की, एक टीचर्स मीटिंग लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने इन्वॉल्व किया बच्चों को, एक्टिविटीज़ में हमने बहुत एफर्ट्स लगाए ना, मगर अल्टीमेटली रिजल्ट तो चाहिए पेरेंट्स को. दे नीड अ शीट, एक शीट चाहिए जिसमें उनका बच्चा 10/10 मिलना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, कैन एनीबॉडी कैसे करेंगे, वो शीट कैसे बताएंगे पेरेंट को कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन बच्चों में डेवलपमेंट क्या हुआ है. नोबडी. आप रिजल्ट बनाते हैं, टेस्ट पे क्या लेते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे का टेस्ट कैसे लेते हैं, एक्टिविटी बेस्ड, तो उसमें भी मार्क्स देते हैं, ग्रेड्स देते हैं. ग्रेड्स पे भी तो कुछ मार्क्स असाइन होते हैं ना, कि 20 में से अगर 18-20 के बीच में आएगा तो देन यू गिव देम द A+ एंड देन A+, तो अल्टीमेटली वो मार्क्स देते हैं, राइट. ये वाला तो प्रोसीजर टोटली बंद हो गया है अभी, राइट. तो उसको हम लोग जज कैसे करेंगे कि बच्चे में क्या डेवलपमेंट आया. जैसे स्मॉल किड व्हेन इज बॉर्न ही स्टार्ट्स विद क्राउलिंग, देन वॉकिंग, देन जंपिंग एंड देन रनिंग. तो हम देख रहे हैं वो स्टेज, तो वो तो बच्चा घर पे है, वो थोड़ा डेवलपमेंट, तो वो पेरेंट देख के खुश होते हैं कि हाँ, एक साल में बच्चे को चलना आना चाहिए, वो चल रहा है, दैट मीन्स ही इज ओके. अब प्ले ग्रुप में व्हाट आर द चेक पॉइंट्स फॉर अ चाइल्ड दैट द चाइल्ड हैज डेवलप. एक साल का टाइम तो दिया पेरेंट ने हम उनको अपने आपके पास रख के, मगर व्हाट आर द डेवलपमेंट. द डेवलपमेंट शुड बी ऑन द 5 डोमेन. फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, उनका फिजिकली कितना डेवलपमेंट हुआ है, एंड दिस फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द फाइन एंड द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, राइट. तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आएगी, एज यू सेड, बैलेंसिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन, राइट. These are fine motor and large muscle and small muscle development. That is called the development domain of a physical development of a child. The next will be language development. अब ultimately school में आया है तो सिखाना तो है, ABCD सिखाना तो पड़ेगा. लिखवा नहीं सकते playgroup में, शायद हम लोग उसको pencil नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक उनके muscles इतने develop नहीं हुए. उनका pincer grip, जो tripod बोलते हैं ना जिसमें हम pencil पकड़ते हैं, वो भी डेवलप नहीं हुआ है. तो वो डेवलप कैसे होगा, ये फाइन और ग्रॉस मोटर्स के थ्रू, राइट. जब आप उनको क्रेयॉन्स कलर करने देंगे तो वो समझ रहे. जो पेपर टेयरिंग का एक्टिविटी होता है, व्हाट इज ही डूइंग, इनिशियली वो पेपर को ऐसे टेयर, देन ही स्टार्ट विद हिज पिंसा मसल. वो पिंसा मसल को यूज करके, जो ये ट्राइपॉड्स होते हैं उसको यूज करके टेयर करना सीखेगा, क्रम्पिंग करना, क्ले मोल्डिंग करना. तो इससे क्या डेवलपमेंट है, बेसिक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं उनको लिखवाने के लिए, राइट. तो वो हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर हमें ए सिखाना है बच्चे को, ए के लिए क्या चाहिए होता है, या हमें एच सिखाना है बच्चे को, इफ नर्सरी में वो लिखना स्टार्ट कर देगा. लिखने स्टार्ट करने के लिए ग्राउंड वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक्स.
What are strokes? Standing, sleeping, slanting and the curves, circles. ये सारे strokes होते हैं. वो strokes हम लोग unless and until उनका pinsa muscle muscle develop करने से पहले ही उनको दे सकते हैं? नहीं. उसकी जगह पे हम activities ऐसी करेंगे like standing line identify करवाना है. कैसे identify करवाएंगे? First air में picture presentation standing, sleeping, slanting, curve, ground on, circle. Right? ये identification. फिर हम क्या करवाएंगे? उन्होंने पिक्चर प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चा बहुत ऑब्जर्व करता है, तो वो ऑब्जर्वेंस कहाँ है उनका? ये स्टैंडिंग लाइन को समझ रहा है, स्लीपिंग लाइन को समझ रहा है. अब उसको लिखना है, मगर हमें पेंसिल नहीं देना है क्योंकि अभी भी उसका पेंसिल ग्रिप डेवलप नहीं हुआ है. अगर पेंसिल दे देंगे या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी या वो इरिटेट करना वापस स्टार्ट है, क्योंकि उनको आता ही नहीं है आप लिखने को देंगे. जो चीज़ आपको आएगी ही नहीं उसको हम लिखने के लिए देंगे तो वो नहीं करेगा. वो एक ऐसा रेपो बना देगा कि ये मैम लिखवा रही है तो अभी इनसे ज़्यादा क्लोज नहीं होना. तो अगेन यू आर मेकिंग द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम यू. तो व्हाट यू विल डू? बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में टिक कराइए फिंगर ब्राउन पेपर पे, इन प्रिंट करवाइए, तो क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग लाइन का प्रिंट आ जाएगा. नेक्स्ट, वी लाइक टू डिप देयर थिंग्स इन कलर ऑल्सो. आप कलर का वो लेके बैठेंगे, वो हाथ लगाएंगे. अगेन डिप द फिंगर इन व्हाट अ कलर, क्रेयॉन कलर, जो रंगीला कलर्स आते हैं. अगेन मेक देम प्रिंट इन अ वाइट पेपर. तो स्टैंडिंग लाइन को उन्होंने अच्छे से समझ लिया, कैसे बनता है वो भी समझ लिया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, विजुअली वो समझ गए स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं, बनाना भी सीख गए एयर में, वाटर में, कलर में, क्रेयॉन में कलर करना भी सीख गए. अब नेक्स्ट स्टेप, गिव देम द पोजीशन. पोजीशन देना है हम उनको, तो पोजीशन कैसे देंगे हम? जब हम स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं क्या करके देते हो? व्हाट डू यू गिव देम? बेसिक ग्राउंड वर्क क्या देते हैं? डॉट्स. डॉट्स की हैबिट पड़ जाएगी तो क्या करोगे आप? हर बार आपका काम बढ़ता जाएगा. ये सुनो, वेरी गुड. मतलब हम लोग अगर हमारे पास सैंड नहीं है, सीप सैंड लेना. आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पजेसिव हो गए कि मिट्टी एक दूसरे के आँख में ना डाले, इसलिए वो पजेसिवनेस को हटाने के लिए हमारा अभी एक अलग सा टेक्निक आया है जिसको बोलते हैं एक प्लेट में आप पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए. पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद उसको इम्प्रिंट बनाने, तो वो जो जब वो फिंगर अपसाइड डाउन करेगा तो वो एक इम्प्रिंट बन जाएगा स्टैंडिंग लाइन का. वो स्टैंडिंग लाइन वो समझ गया है क्या है, राइट? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपको उनको साइज का कंसेप्ट समझाना है. साइज का कंसेप्ट वो नहीं जानता, उसके लिए जब छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी देंगे वो दीवार पे क्या करता है? डू यू नो दैट? एक तो उनका मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन होता है, स्टैंडिंग वाला होता ही नहीं है. कभी वो एकदम स्टैंड वाला चीज बनाता नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में बनाता है और बहुत बड़ा बड़ा बनाता है. क्यों ऐसे? व्हाई? आइडिया ही नहीं है, राइट? हाँ, फ्री हैंड होता है, राइट? तो उसको मोल्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली इज गोइंग टू सिट इन नर्सरी और वो नर्सरी में उसको ए बी सी डी लिखवाएंगी टीचर. दैट इज अ ग्राउंड वर्क यू आर गिविंग देम टू द नर्सरी टीचर. अ पॉलिश्ड चाइल्ड, राइट? तो अब उसको साइज का कंसेप्ट कैसे सिखाएंगे? डॉट या इट्स अ टेक्निक, अच्छा टेक्निक है. इनिशियली आप दे सकते हैं मगर नॉट एवरी टाइम, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसीज हो गई है उसमें वो रोट काउंटिंग वाला सिस्टम हट गया है. रोट काउंटिंग इज व्हाट? मार्किंग अप. रोट काउंटिंग इज मार्किंग अप. जो मार्क करते थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, वो तो घर से वो बेसिक करके आता है. तो व्हाट इज योर रोल? आई थिंक योर रोल इज नलिफाइड. आप तो बिल्कुल हट ही गए क्योंकि पेरेंट ने ऑलरेडी सिखा के भेज दिया बच्चे को, और पेरेंट्स को एक्सपेक्ट करेगा कि पैसा दे के हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वो क्या सीखा, राइट? तो अब ये नेक्स्ट स्टेप कैसे आप वो करेंगे? डॉट देंगे तो एक आप लोग का भी एफर्ट बढ़ जाएगा और हम लोग का भी एफर्ट बढ़ जाएगा कि एवरी टाइम टीचर हैज टू सिट विद देयर कॉपीज पुटिंग द डॉट्स इन देयर नोटबुक फॉर देयर होमवर्क और मे बी फॉर देयर क्लास वर्क. तो व्हाट इज नादर प्रोसीजर?
give them the concept, उनको concept ही सिखा दो कि कौन सा line कितने तक draw करना है, वो क्या करेगा first day पे वो ऊपर से लेके नीचे तक line draw कर देगा क्योंकि उसको size का concept नहीं सर पता है. तो now what is your duty, taken A4 size paper, do you have a paper? Can somebody tear a paper from your pad and show me? Bag का ही paper निकाल दीजिए. Yeah. Now let him do the print the standing line. Standing line वो कहाँ से print करेगा? ऊपर से लेके नीचे तक. Can you fold the paper in two half? Again tell him to put the standing line. क्या हो गया? छोटा हो गया? Again fold into another half. Again tell him to make a standing line. Again fold one more time. हो गया उस साइज में. अब उसको साइज का कंसेप्ट समझ में आ गया. अब साइज के लिए हमें डॉट्स की जरूरत नहीं, मगर फिर भी डॉट्स के बिना वो स्टैंडिंग लाइन या अल्फाबेट बनाना इम्पॉसिबल है उसके लिए. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइज कंसेप्ट. अब उसको साइज समझ में आ गया, वो ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं करके एक छोटी सी लाइन खींचेगा, डॉट्स की जरूरत नहीं पड़ी. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब उसको हमें नोटबुक पे लिखाना है. और नोटबुक में क्या होते हैं, लाइंस होती है. हैव यू सीन अ फोर लाइन नोटबुक? व्हाट इज इट हैविंग? रेड लाइन एंड ब्लू लाइन. व्हाट शुड बी योर रोल इन दिस? साइज समझ में आ गया, डॉट्स देना नहीं है, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू गिव देम द डॉट्स, राइट? तो हमें क्या करना है, रेड लाइन टू ब्लू लाइन उसको एवरी टाइम को लिखवाना है. तो बोलेंगे इनिशियली एक डॉट ऊपर दे सकते हैं जहाँ उनको रेड लाइन आइडेंटिफाई हो जाए इनिशियली. तो रेड लाइन को हमें कहाँ फुल करना है, ब्लू लाइन, और स्ट्रॉबेरी लाइन टू ब्लूबेरी लाइन. ये एक अलग कंसेप्ट होता है जो हम लोग उनको सिखा सकते हैं. अब रेड लाइन टू ब्लू लाइन वाला कंसेप्ट पुराना हो चुका है. मैंने कहा ना आपकी स्कूल को एक एक्सक्लूसिविटी कैसे मिले, तो नए नए टेक्निक्स ढूंढना. इनोवेशन वो ही नहीं है जो आप क्लास में जाके बच्चों के साथ करते हैं, इनोवेशन आपके अपग्रेडेशन का भी है. मतलब आपको वो टेक्निक्स ढूंढनी होगी. हाँ,